हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। ताज़ा बात करने वाला टैम्पा बे रेज और बोस्टन रेड सॉक्स एमएलबी लीग के बेसबॉल मैच के बारे में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी टीम के लिए किस प्लेयर को पिक करना है, किस प्लेयर को ड्रॉप करना है। हम बात करेंगे ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है और जो लास्ट हमने मैच कवर किया उसको अल्ट्रा क्लिनशिप भी कर दिया है और मैं ट्राई करूंगा कि इस मैच को मैं अल्ट्रा क्लिनशिप कर लें। दोस्तों, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो टेलीग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए टीटी प्लेइंग 11। आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे और काफ़ी अच्छा से विनिंग टीम से काफ़ी अच्छा से पैसे कमा पाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद आपको विजन 11 का लिंक देखने को मिलने वाला है, तो आपको विजन 11 को डाउनलोड कर लेना है और काफ़ी अच्छा से पैसे कमाने हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी कम है और एंट्री फीस भी काफ़ी कम है। एंट्री फीस से ही आप काफ़ी अच्छे खासे पैसे बचा लेंगे और कंपटीशन कम होने के कारण आपकी एक एवरेज टीम भी अल्ट्रा क्लिनशिप कर जाएगी। तब बात करते हैं टीम परफॉर्मेंस के बारे में। तो बात जाए टीम परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोस्तों टीम पर टैम्पा बे रेज के बारे में बात करें तो टैम्पा बे रेज काफ़ी अच्छी खासी टीम है, जहां पर उन्होंने 100 मैच विन की 100 मैचों में विन और 62 मैचों में लॉस का सामना किया। और लास्ट 10 रिसेंट मैच के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो 7 में विन और 3 मैचों में लॉस का सामना किया। तो पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस है उनका, जो रिसेंट परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी अच्छा खासा है। और मैं वही बात करूँ रेड सॉक्स के बारे में, यानी कि बोस्टन रेड सॉक्स। दोस्तों, रेड सॉक्स का परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा खासा है, जहाँ पर 92 मैचों में विन, 70 मैचों में लॉस। और दोस्तों, तो रिसेंट 10 मैच है वहां पर 5 मैच विन और 5 मैचों में लॉस का सामना किया। तो पता चला जो इनका परफॉर्मेंस है वो ठीक ठाक है, ज्यादा अच्छा खासा नहीं है लेकिन दोस्तों ठीक ठाक है। लेकिन जो टैम्पा बे रेज है उनका जो परफॉर्मेंस है उनसे बड़ा है। तब बात करते हैं ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों, मैं ड्रीम टीम बना चुका हूँ जो इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो ड्रीम टीम, उससे पहले दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और उसी से मोटिवेट होकर मैं आप लिए अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी चीज़ मिलता हूँ टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं इसको ओपन करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि आपको अपनी टीम में कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर, कौन से कैचर, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो डिस्कशन करने वाले। तो वीडियो आपको घंटे तक वॉच कर लेनी है, जो वीडियो घंटे तक वॉच करेगा उसको इस मैच के बारे में काफ़ी अच्छी खासी विनिंग टीम प्लस काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज मिलने वाली है। तो उस वीडियो को आपको घंटे तक वॉच करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों फील्डर सेक्शन से। तो और जोड़ना, तो इनका परफॉर्मेंस है काफ़ी नेक्स्ट लेवल का पिछले मैच में, जहां पर दोस्तों इन्होंने एक ओवर लगाए बिना भी 44 पॉइंट कलेक्ट कर लिए। और दोस्तों, इससे बड़ा परफॉर्मेंस आपके लिए नहीं कह सकता हूं। और मेरा मानना है कि इस मैच में इनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रहने वाला है, क्योंकि जो मैं आपको फाइनल टीम दूंगा वो आपको स्टैट के आधार पर दूंगा। स्टैट निकालूंगा, एनालिसिस करूंगा, फिर से स्टैट निकालूंगा और फिर प्लेयर को पिक करूंगा और आपको फाइनल टीम दूंगा टेलीग्राम पर। तो काफ़ी मेहनत लगती है और एज ऑन दोस्तों आपके लिए एज अपने के लिए काफ़ी बड़ी चॉइस होने वाली है अपने समोल लीग की टीम लिए। जो कैप्टन कैप्टन चॉइस होगी इस वीडियो में आगे बात करेंगे। और आप ग्रैंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एरिजोना को एक टीम में कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट प्लेयर मेडोज के बारे में। तो मेडोज का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा था पिछले मैच के अंदर, मुझे लग नहीं था कि इनका अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों जो इनका यंकीज के खिलाफ मैच हुआ था वहाँ पर मैंने इनका स्टैट चेक किया था और दोस्तों इनका जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा रहा और मुझे लग रहा था कि इनका परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और दोस्तों, हम बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर सकुराजर के बारे में, सकुराबर के बारे में। सकुराबर का जो परफॉर्मेंस है दोनों ही मैचों में काफ़ी अच्छा है और सेकंड लास्ट मैच इन्होंने 2 होम रन लगाए थे, जहां पर दोस्तों एक प्लेयर 10-10 मैचों में एक होम रन नहीं लगा पाता है। दोस्तों, वहीं इन्होंने 2 होम रन लगा दिए और बहुत बड़ी बात दोस्तों, 2 होम रन। और उससे लास्ट मैच इनका जो परफॉर्मेंस वो भी काफ़ी अच्छा खासा है और इस मैच इनका जो परफॉर्मेंस रहेगा काफ़ी अच्छा खासा रहेगा और सकुराबर आपके लिए एज अ प्लेयर के लिए काफ़ी अच्छा चॉइस होने वाली है। दोस्तों, बात करें हर्नांडेज के बारे में, तो हर्नांडेज को अपनी टीम में कन्फर्म रखूंगा, क्योंकि दोस्तों इनका जो पिछले का मेजोरिटी जो सेलेक्टेड परसेंट है वो काफ़ी कम रहेगा। और मान लीजिए इनका जो परफॉर्म इतना भी रहा तो ये मैच मैं आपको क्लीनशिप करवा दूंगा। दोस्तों, अल्ट्रा क्लीनशिप तो शायद ना कर पाऊँ, लेकिन दोस्तों क्लीनशिप तो आपको मैच में करवाने वाला ही हूँ। और अल्ट्रा क्लीनशिप मैच के लिए दोस्तों आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। इन फिर दोस्तों, बोगार्ट्स पिछले मैच का क्या परफॉर्मेंस था? दोस्तों, काफ़ी नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस था, जहाँ पर दोस्तों इन्होंने एक होम रन भी लगा दिया। तो बोगार्ट्स इस मैच में इनका परफॉर्म काफ़ी अच्छा सा रह सकता है और मैं अपनी टीम इनको वो कैप्टन लेकर चलने वाला हूँ। और इनका परफॉर्म आप पीछे भी चेक करेंगे तो आपको देखने को मिला कि इनका जो परफॉर्म काफ़ी अच्छा था, इनकी 2 मैच में दोस्तों एक होम रन की तो एवरेज है ही इनकी और इस मैच में एक होम रन लगा दिया और हमारे वॉइस कैप्टन हो तो हमें कौन दोस्तों जीतने से रोकने वाला है? तो लोवे इस मैच का सबसे बड़ा प्लेयर, दोस्तों पिछले मैच के 3 होम रन लगाए थे दोस्तों, लिटरली 3 होम रन। मुझे लग नहीं रहा कोई प्लेयर 3 होम रन लगा भी सकता है। दोस्तों, मैंने पहली बार देखा है कि किसी प्लेयर 3 होम रन एक साथ लगाए हैं, क्योंकि मैंने आज तक चेक किया कि या तो एक होम रन या फिर 2 होम रन ही ज़्यादा लग पाते हैं, लेकिन दोस्तों लोवे ने 3 होम रन लगा दिए। तो दोस्तों, इन्होंने हिस्ट्री लगा दी है तो मैं इनको अपनी टीम में कैप्टन लेके चलूँगा। और मान लीजिए ये एक होम रन भी लगा देते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। हम बात करूँ दोस्तों लेगस के बारे में, तो लेगस पिछला मैच प्ले नहीं करे थे और मुझे कन्फर्म है कि पहले प्ले करेंगे। और दोस्तों, थोड़ा बहुत क्रेडिट इशू होने वाला है क्योंकि मैच काफ़ी बड़ा होने वाला है। अब बात करते हैं आपके अपोनेंट के बारे में, तो आपका अपोनेंट टीम को किस तरह पिक करेगा?
दोस्तों या तो ये देखा कि उसके कितने पॉइंट्स हैं या फिर वो देखा उसको कितना सैलरेड परसेंटेज है, उसको बेसबॉल की घंटा नॉलेज नहीं है, बस वो लाइनअप देखेगा और पैसे लगा देगा। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है दोस्तों, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी टीम लगानी है। तो मैं आपको टीम देने वाला हूँ, तो टीम के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आइए हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। पीछे तो हमने एलवॉडी को ट्राई किया, जो हमने पिछला मैच किया और किया था दोस्तों बीआरएस का, वो हमने अल्ट्रा क्लोज किया था, आप टेलीग्राम को चेक कर सकते दोस्तों। उस मैच में दोस्तों हमने काफ़ी मोटा पैसा भी विन किया था और आप टेलीग्राम पर जाके एक बार चेक कर लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि फद्दू बना रहा है, दोस्तों आपको बिल्कुल भी मैं फूल नहीं बना रहा हूँ। तो आप एक बार टेलीग्राम पर जाइए और चेक कीजिए। जो मैंने नेक्स्ट मैच पिछला मैच कवर किया था, मैंने बोल दिया अपनी टीम में कैप्टन ट्राई किया था दोस्तों, आप देखिए इनका जो सिलेक्टेड परसेंटेज था वो काफ़ी कम था और मैंने अपनी टीम में कैप्टन ट्राई किया, काफ़ी बड़ा रिस्क लिया और एक इस मैच में एक तरफा विन भी किया था। कैचर के बारे में बात करूँ तो मैंने जुनिनो को अपनी टीम पर फिलहाल ट्राई किया है और जो आज भी अगर प्ले करते तो मैं इनको अपनी टीम में ट्राई करना चाहूँगा, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस था पिछले मैच में काफ़ी अच्छा खासा था। टीम का प्रिव्यू करे थे जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मैंने इस टीम में 4 आउटफील्डर, 3 फील्डर, 1 पिचर कैचर को ट्राई किया है। तो अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। तो दोस्तों मैं अपनी टीम में कैप्टन लोवे के लेके चलने वाला हूँ, मैं स्मॉलिंग में परफॉर्मेंस करके चलने वाला हूँ, तो और वाइस कैप्टन बोगार्ट्स को रखने वाला हूँ। इन दोस्तों आप में कई बंदे होंगे जो ग्रैंड लीग में परफॉर्मेंस करके चलते हैं, तो अब बात करते हैं कि हम ग्रैंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाएं। तो दोस्तों आप कैप्टन बोगार्ट्स और लोवे तो रहने ही रहने वाली है, एलवोदी भी आपके लिए काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी दोस्तों, सकराबरी आपके लिए काफ़ी बड़ी चॉइस रहेगी। और दोस्तों अगर आप फिर से लेना चाहते हैं तो हैंडर्स को अपनी टीम में वाइस कैप्टन ट्राई करें ना, और आप विन मान लीजिए अगर हैंडर्स को माड़ा मोटा यानी कि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा तो आप अच्छा खासा पैसा विन कर जाएंगे, क्योंकि जो हेरनांडेज़ है इनकी तरफ ज़्यादा बंदों का ध्यान नहीं है और ये इसी का आपको फायदा उठाना है और काफ़ी अच्छा खासा पैसा विन करना है। और जुनिनो को दोस्तों एक टीम में वाइस कैप्टन ट्राई करना, इनके ऊपर भी हमारा थोड़ा बहुत रिस्क होना जरूरी है, अगर रिस्क लेंगे तो रिस्क होगा और जिससे हम काफ़ी अच्छा खासा पैसा विन कर पाएंगे। और तो अगर लीग से प्ले नहीं करते तो आपको इनको अपनी टीम से ड्रॉप रखना है, बाकी फाइनल टीम तो आपको देने वाला हूँ, तो टीम के बारे में कोई 1% भी टेंशन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनल टीम इटालियन को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।